हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और बेसिकली आए कहाँ से हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू यानी आयोटा की घात पर हमने बात की थी कि आयोटा की घात जब हम 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करते हैं तो क्या उसका मान रहता है, क्योंकि आयोटा का जो मान है वो √-1 है। तो इस तरह से इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, और इसकी वैल्यूज पर हमने बात की थी। तो आज की क्लास में आयोटा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह से लिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को जानेंगे जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किस तरह से इनको यूज करते हैं। तो देखिए, आइडेंटिटीज, तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपके पास, यदि Z1 और Z2 आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 माइनस Z2 का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है किसके, जैसे आप A माइनस B लिखते थे तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो Z1 स्क्वायर माइनस में 2Z1 और Z2 प्लस में Z2 स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस में 2Z1Z2, ठीक है, जैसे आपने एलजेब्रा में किसका किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये आइडेंटिटीज आपके यूज होती है, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास है Z1 प्लस Z3 का होल क्यूब, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस होता और ये स्क्वायर होता, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं इसी तरह से इसका भी यूज होगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस में 2Z1Z2, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी है थर्ड, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो इसको आप कैसे खोलते हैं, Z1 क्यूब प्लस में Z2 क्यूब प्लस 3Z1Z2 आता है, और ब्रैकेट में क्या आता है, Z1 स्क्वायर a प्लस बी यानी कि Z प्लस। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3Z1Z2 और ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, Z1 प्लस Z2। तो जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3Z1 स्क्वायर प्लस में 3Z2 स्क्वायर, या फिर आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस में 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस में 3Z1Z2 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप माइनस साइन लेंगे, Z1 माइनस Z1 Z2 का होल क्यूब, तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाता है, Z1 क्यूब माइनस में Z2 क्यूब, और यहां पे देखिए माइनस Z1 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस में आ जाएगा 3Z1Z2 स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सारे जो साइन है आपके माइनस के आएंगे, ये साइन भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। जब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो साइन आ जाएगा Z2 स्क्वायर वाला, ये आपका पॉजिटिव का होगा, ठीक है।
और एक लास्ट आइडेंटिटी है आपके पास, जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर बराबर, जैसे आप लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू। तो वो सारी आइडेंटिटी जो आपने एलजेब्रा में यूज की है, यहाँ पर भी हम उसका क्या करेंगे, यूज करते हुए उसको चलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वो यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। तो देखिए बीजगणित में आप क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन उसका करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में किस तरह से उनको ऑपरेट किया जाता है ये भी यहाँ पे दिया है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जेड वन और जेड टू गिवन है, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास आता है उन दोनों को आपस में ऐड किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे दो नंबर हैं तो हमने किस तरह से इसको ऐड किया है, इसी तरह से आप इसको सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो जेड टू माइनस जेड वन आप इसका कर लेंगे। ठीक है, तो दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जेड वन और जेड टू दे रखे हैं। आप इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन जैसे आप ब्रेकेट खोलते हो और जहां पे आपको आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा क्यूब आ गया, आयोटा की पावर 4 आ गई, तो उसका मान आप रख लेंगे। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पे इस तरह से रखते जाएंगे। ठीक है, जब हम डिविजन करते हैं तो जेड वन अपॉन जेड टू आता है, और यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो आप आयोटा को रिमूव करेंगे यहाँ से, डिनोमिनेटर में आपका कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जैसे रेशनल क्लास ट्वेल्थ में क्या करते थे, यहाँ पे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 3 + 4 आयोटा है तो 3 - 4 आयोटा से दोनों ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में आपका कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, आज की क्लास में तो जैसे आप एलजेब्रा में आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सारे फॉर्मूले को यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये जो है आपके यूज होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, 5 आयोटा और ब्रैकेट में क्या है, -3/5 आयोटा। इसको हमें क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, तो यहां से देखिए ब्रैकेट को आप हटाइए तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा, तो -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3/5 आयोटा। तो यहां देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया है, तो यहां से आप क्या लिख लेंगे, 3 और आयोटा, और आयोटा को जब आप क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो कितना होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे 3 - -1, यानी कि यहाँ पे आपको कितना आ गया है, -3। अब हमें इसको क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है, अच्छा यहाँ पे जो है आपका माइनस पहले से था। ठीक है, माइनस को पहले से था, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, तो ये बराबर हो गया है 3 के। ठीक है, हमें इसको लिखना है a + iota b,
ठीक है, तो आपको याद होगा जब हमने कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे तो वहां पे आपके पास जेड बराबर जीरो को भी आप कॉम्प्लेक्स ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे? जेड बराबर जीरो प्लस आयोटा, जीरो आयोटा, या फिर आयोटा जीरो, या जीरो आयोटा, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीरो आयोटा भी कर सकते हैं, जीरो प्लस इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ रियल पार्ट दे रखा है, यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है? जीरो है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? थ्री प्लस आयोटा, और बी का मान यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिखेंगे। तो हमने इसको लिख लिया है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हमने क्या करना है? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आयोटा की पावर नाइन, आयोटा की पावर नाइन प्लस में आयोटा की पावर 19। अब इसको भी हमें क्या करना है? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए आयोटा की पावर नाइन प्लस आयोटा की पावर 19। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर है, हमें ये देखना है आयोटा की पावर को आप, नाइन को आप किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइन को आप क्या लिख सकते हो? टू इंटू फोर, और इंटू में वन होगा, प्लस वन होगा, तो ये क्या आ जाएगा? आपका नाइन आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर आयोटा की पावर नाइन को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर टू और इसकी पावर फोर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आ जाएगा? आयोटा की पावर एट, और इंटू में आयोटा लिखूंगी, इंटू में आयोटा लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? बेस सेम होते हैं तो जो उनकी पावर होती है वो ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू आयोटा है तो प्लस में वन इसकी पावर है, तो ये आपका नाइन हो जाएगा। और हम जानते हैं, चलिए ये तो हमने लिख लिया है, प्लस में आयोटा की पावर 19 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 टू जे 18, और प्लस 1 करेंगे तो वो आपका 19 आ जाएगा। यानी कि आप आयोटा की पावर 2 और उसकी भी पावर आप क्या कर लेंगे? 9 करेंगे, इनटू में हम क्या लिखेंगे? आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है। आयोटा की पावर 2 कितना होता है? माइनस का 1 और इसकी पावर 4 इनटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर, ये भी माइनस का 1 और इसकी पावर 9 इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर माइनस 1 की पावर 4, तो देखिए पावर इवन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इंटू में आयोटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 1 की पावर ऑड है तो ऑड पावर माइनस होती है, माइनस की पावर जब ऑड होगी तो पावर किस में आएगी? फिर माइनस में आ जाएगी। तो 1 की पावर, माइनस 1 की पावर 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 इंटू आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा, तो यहाँ पे जो आपका है कितना आ गया है? जीरो। इसको हमने लिखना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए दोनों पार्ट्स आपके जीरो हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस जीरो आयोटा, या आयोटा जीरो। ठीक है, तो ये हमने किसमें लिख दिया है? ए प्लस आयोटा के फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको लिख लिया है, इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। और यहाँ पे देखिए कितना है? आयोटा की पावर माइनस 39। ठीक है, किसी की पावर अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/(i) की पावर 39, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस आयोटा की पावर को आप क्या लिखेंगे? 1/(19 to 38) और इंटू में 1, तो
देखिए आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 19 इनटू में आयोटा, ऐसा हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 39 को। ठीक है, आयोटा की पावर जो है 2 कितना होता है, माइनस का 1, 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 19 इनटू में आयोटा। ठीक है, 19 पावर है, मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पावर और उसकी भी ऑड पावर, माइनस की जो है ऑड पावर तो माइनस में आएगा, 1 अपॉन माइनस 1 इंटू आयोटा, यानी कि 1 अपॉन माइनस आयोटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्लस का आयोटा। ठीक है, तो यानी इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ए प्लस आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस में आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 7 जे 21 प्लस 7 3 जे 21 आयोटा प्लस में 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 21 आयोटा है और ये 7 आयोटा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आयोटा आयोटा है, तो क्या आ जाएगा, 21 प्लस 28 आयोटा प्लस में 7, और आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो कितना आता है, माइनस का 1, यानी कि 21 प्लस 28 आयोटा माइनस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इनका, तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस 28 आयोटा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ गया है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ये आ गया है, 14 प्लस 28 आयोटा, यानी यहाँ पे जो ए का मान है वो 14 है और बी कितना है यहाँ पे 20, तो इसको नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है, इसको इसके फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा माइनस में माइनस 1 प्लस आयोटा 6। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट्स में तो सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1 और यहां माइनस आयोटा 6। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, तो 2 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा आपका, प्लस होगा, माइनस में 7 आयोटा, तो इसको भी हमने किस में लिख दिया है, ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा के फॉर्म में इसको लिख दिया है, ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस आयोटा बी आपको गिवन है,
वन अपॉन थ्री प्लस आयोटा सेवन अपॉन थ्री प्लस में फोर प्लस आयोटा वन अपॉन थ्री माइनस में माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री प्लस आयोटा सेवन अपॉन थ्री प्लस में फोर, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, प्लस आयोटा वन अपॉन थ्री, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर अपॉन थ्री और माइनस आयोटा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, आयोटा को अलग करेंगे और जो रियल पार्ट है उसको अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास क्या क्या है, वन अपॉन थ्री प्लस में फोर प्लस फोर अपॉन थ्री, और आयोटा वाले पार्ट क्या हैं, आयोटा सेवन अपॉन थ्री प्लस में आयोटा वन अपॉन थ्री और माइनस में आयोटा। ठीक है, तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, किसका, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों का। तो देखिए यहाँ पे थ्री आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, वन प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा, प्लस में फोर प्लस आयोटा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में सेवन आयोटा प्लस वन आयोटा, यानी कि आयोटा इसको लिख लेंगे। माइनस में यहाँ थ्री एलसीएम लेंगे तो थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी, तो थ्री आयोटा अपॉन थ्री। ठीक है, तो देखिए ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन और वन सेवनटीन अपॉन थ्री प्लस में यहां पर आप क्या करेंगे, सेवन आयोटा और थ्री आयोटा और प्लस में आयोटा, तो सेवन प्लस वन एट और माइनस में फाइव करेंगे तो फाइव आयोटा अपॉन में थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो रियल पार्ट है वो कितना आ गया है, ए प्लस आयोटा बी आपके पास कितना आ गया है, सेवनटीन अपॉन थ्री प्लस फाइव आयोटा, फाइव बाई थ्री आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आपने ए प्लस आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है, वन अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस में फोर प्लस आयोटा फाइव अपॉन टू। इसको आपने क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वन अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस में फोर और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो आयोटा फाइव अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है वो कितना है, वन अपॉन फाइव माइनस में फोर प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस में आयोटा फाइव अपॉन टू। तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का, रियल पार्ट का अलग, और तो इसका जो एलसीएम है वो फाइव ही आएगा, यहाँ फाइव है तो यहाँ पे वन रहेगा, वन माइनस और फोर की आप फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वेंटी प्लस में यहाँ टेन, देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, टेन यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आयोटा माइनस में और यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव टू जे फाइव, फाइव जे ट्वेंटी फाइव आयोटा अपॉन में टेन, वन माइनस ट्वेंटी यानी कि माइनस का नाइनटीन अपॉन फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव में से फोर आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन इसको कर देंगे तो ट्वेंटी वन आयोटा अपॉन में टेन।
यहाँ पे हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको लिख लिया है। a का मान कितना है 19 अपॉन 5 प्लस 21 आयोटा अपॉन 10, तो ये इसका तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चंस को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। तो इसी तरह से आप जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट पर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पर क्वेश्चन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।